हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लेवर्स ऑफ माय लाइफ। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और अलग तरह के एकदम पंजाबी छोले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है और आप इसे राइस, पूरी या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट मैं आज इसके साथ पूरी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप छोलों को रात को ही सोक कर दिया था और वो अब अच्छे से सोक हो गए हैं, तो इन्हें मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और इसके साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 2 से 3 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। और अब इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे और बॉईल करेंगे। जब तक छोले यहाँ पर बॉईल होते हैं, हम बाकी की प्रिपरेशंस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करती हूँ कि स्विगी से जीरा आलू ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि माय सन लव्स पूरी छोले बट आई नो माय हस्बैंड लव्स जीरा आलू विद पूरी। तो कुछ घर पर बनाओ और कुछ स्विगी से मंगाओ। और यहाँ पर एक कमाल का रेस्टोरेंट है और उनका जीरा आलू बहुत ही टेस्टी है, तो 30 मिनट्स में यहाँ पर स्विगी से जीरा आलू भी आ जाएगा। इस तरह से मेरा बेटा भी खुश और हस्बैंड भी खुश। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं स्विगी और ये हो गया हमारा ऑर्डर कंप्लीट। जब तक यहाँ पर जीरा आलू आएगा, तब तक हम छोले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 कप हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। तो नमक हमने छोलों में भी ऐड करा है, तो यहाँ पर नमक आप थोड़ा कम ही ऐड करें। उसके साथ हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अनारदाना पाउडर, 1/4 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच छोले मसाला और लास्ट में यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच काला नमक। सभी मसालों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर 7 से 8 विसल के बाद छोले अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब छोले और इनका पानी अलग कर देते हैं और सारे जो भी हमने खड़े गरम मसाले डाले हैं उन्हें भी यहाँ से हटा देते हैं और थोड़े से छोलों को हम यहाँ पर मैश कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लेते हैं। और ऑयल जैसे ही यहाँ पर गर्म हो गया है, तब इसमें ऐड कर लेते हैं 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 बारीक पिसा हुआ प्याज और इन्हें फ्राई करेंगे। इस तरह से जब हम प्याज को छोले में ऐड करेंगे तो ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग टेस्ट आता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि घर पर स्विगी से आते आते खाना ठंडा हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। प्याज यहाँ पर गुलाबी हो गए हैं, तब इसमें ऐड कर लेते हैं 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इन्हें भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे तैयार छोले मसाला और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर मसाला ना जले, इसके लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और साथ में ऐड कर लेते हैं 2 टमाटर की प्योरे। तो यहाँ पर हमने खट्टे टमाटर का यूज़ किया है, जिससे छोलों में एक बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा। और उसी के साथ हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं छोले वाला पानी और इन्हें ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी से ऑयल अलग ना हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर ऑयल ग्रेवी से अलग हो गया है, तब इसमें ऐड कर लेते हैं बॉईल किए हुए छोले और हरी मिर्च। इस तरह से हरी मिर्च डालने से भी छोलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड करा है 1/2 कप पानी। तो आप यहाँ पर ग्रेवी की जैसी कंसिस्टेंसी चाहते हैं उस हिसाब से पानी को ऐड करें और इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। ये मेरे छोले ऑलमोस्ट रेडी हैं और इन्हें थोड़ा बॉयल और होने देती हूँ। और अभी दरवाजे पर एक बेल रिंग बजा है, तो लगता है कि स्विगी से ऑर्डर तैयार है। अरे वाह, लगता है कि स्विगी से डिलीवरी वाला जीरा आलू लेकर आ गया है, वो भी इतना जल्दी। क्या मस्त पैकिंग में खाना तैयार होकर आया है। चलो अब इसे जल्दी से छोले, पूरी और आलू को टेबल पर सर्व कर देती हूँ। ये आइडिया अच्छा है कि कुछ घर पर बनाओ, कुछ स्विगी से मंगाओ और फैमिली के साथ खाना और भी स्पेशल बनाओ। यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म छोले, पूड़ी, आलू
और सैलेड बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।